हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले बॉम्बे बुरमा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के बारे में। ये स्टॉक काफ़ी टाइम से होल्ड कर रहा हूँ और फिलहाल अभी ये टारगेट के आसपास आ गया था, लेकिन यहाँ से कुछ रिवर्सल देखने मिला है हमको, तो उसके पीछे कुछ एक बैड न्यूज़ है और वो बैड न्यूज़ क्या है ये हम देखेंगे। और ऐसे ही काफ़ी चीज़ें होती है कोई भी स्टॉक के साथ, तो मोस्ट ऑफ टाइम अगर आप को जो टारगेट चाहिए वो टारगेट कभी कभी जल्दी नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पर वही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मेरी जर्नी के साथ साथ आपको सिखाने की, लर्निंग देने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पर जितने भी स्टॉक्स में से मैंने प्रॉफिट लिया है वो सारे वीडियोज़ मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, और साथ में ये चीज़ मैं वेबसाइट पर भी मैं डाल रहा हूँ, और वेबसाइट से भी आपको डायरेक्ट कहीं जाने की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप वहाँ पर किसी भी शेयर का नाम डालोगे वो चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वही चीज़ मैं कर रहा हूँ, और लेकिन वो शेयर में मेरा एक्सपीरियंस है वही चीज़ें मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि बॉम्बे बुरमा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का भाव क्या था और फिलहाल मेरे टारगेट क्या थे, और उसके बाद ये स्टॉक कहाँ से जाके कहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये यहाँ पर मेरे चैनल पे मैंने बताया हुआ है। लास्ट ये वीडियो 25 अप्रैल का है, 25 अप्रैल के बाद आज ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर काफ़ी वीडियोज हो चुके हैं। सबसे पहले वीडियो डाला था 16 फरवरी 2022 में, ठीक है। तो उसके बाद ये काफ़ी वीडियोस बन चुके हैं उस पर, क्योंकि तब से मार्केट काफ़ी स्लो डाउन में चल रहा है और काफ़ी शेयर में से जल्दी प्रॉफिट नहीं निकल रहे, ठीक है। और फिर भी जो जो शेयर में से प्रॉफिट निकलते जा रहे हो उनके वीडियोस तो मैंने मेरे चैनल पे डाल चुका हूँ, तो आप वो वीडियोस देख सकते हो, या फिर मैंने वेबसाइट पे भी डाला है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं आपको मेरे वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर ये वेबसाइट है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे, और वेबसाइट का लिंक तो मैंने हमेशा डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, ठीक है। तो वहाँ से भी जा सकते हो, या फिर मैं यहाँ पर आपको शो कर दूंगा। तो वहाँ से जाने के बाद आपको जो भी यहाँ पर जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करोगे, सबसे पहले यहाँ पर जो भी लेटेस्ट पोस्ट रहेंगे, जो जो मैंने डाले हुए हैं वो आपको नजर आएंगे। लास्ट ये श्रीराम फाइनेंस के बारे में डाला था। श्रीराम फाइनेंस भी कंप्लीट मेरा टारगेट अचीव करके रिटर्न आ गया, लेकिन मैंने वो टारगेट सेट करके नहीं रखा था, उस वजह से वो निकला नहीं, नहीं तो अभी ये प्रॉफिट बुकिंग का वीडियो इस पे बना होता, ठीक है। तो इसके बारे में भी मैंने वीडियो लास्ट अभी डाला हुआ है, वो भी आप देख सकते हो अभी। और बाकी जो भी शेयर में अभी मूवमेंट आ गई है उनके बारे में भी यहाँ पर वीडियोज है, इनमें अच्छी खासी मूवमेंट आपको देखने मिलेगी, तो ये भी शेयर से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो भी पोस्ट देखना है, अभी यहाँ पर मैं बॉम्बे बुरमा के बारे में देखना चाहता हूँ, तो बॉम्बे बुरमा BBTC के बारे में यहाँ पर मैं सर्च मार देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ये बॉम्बे बुरमा ट्रेडिंग के बारे में जो भी पोस्ट डाला हुआ है वो आपको देखने मिल जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके बारे में कम्प्लीटली डिटेल में यहाँ पर बताया हुआ है कि बॉम्बे बुरमा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन कब की है, कहाँ से स्टार्ट हुई है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। 1863 की ये बनी हुई है, मुंबई हेडक्वार्टर इसका, और यहाँ पर ये कौन से बिजनेसेस करती है सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये ऑलरेडी कॉफ़ी, टी, कॉफ़ी एंड यहाँ पर प्लांटेशन कॉर्प में है, और टेक्सटाइल में भी है थोड़ा ये, और यहाँ पर इनके 44 टी इस्टेट्स इन इंडिया है, और यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छा यहाँ पर CAGR भी कंपनी लगातार दे रही थी। और यहाँ पर यही चीज़ मैंने हिंदी में भी आपके लिए रखी है कि आप यहाँ से हिंदी में भी पढ़ सकते हो, तो आपके लिए दोनों चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग, बेस्ट अंडरस्टैंडिंग जो आपको जिसमें से हो रहा है वो आप देख सकते हो, ठीक है। और साथ में वीडियोस के थ्रू भी ये चीज़ें आप जान सकते हो कि जो भी मेरे एक्सपीरियंस है, मतलब वो टाइम पे जब जब मैंने खरीदा था वो टाइम पे भाव क्या था, वो टाइम पे सिचुएशन क्या थी, सारी चीज़ें ये वीडियोज़ के अंदर आपको मिल जाएगी, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर हम अभी के हिसाब से प्राइस और ये चीज़ें देख लेंगे, और इसका वेबसाइट तो एक बार यहाँ पर मैं विजिट करा देता हूँ, वेबसाइट भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ये लिंक पर क्लिक करने के बाद इसका वेबसाइट, और यहाँ पर मैं जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है ये भी मैं आपको शो करा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो जो भी प्राइस है और लेटेस्ट न्यूज़ है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये देखो, ये है बॉम्बे बुरमा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का वेबसाइट, और यहाँ पर इनके टी प्लांटेशन और कॉफ़ी प्लांटेशन, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें नज़र आएंगी, और इनके अदर बिजनेस कौन से ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो ये इनका वेबसाइट, और यहाँ पर देखो ये इनका ब्रांड है जो अमेजोन पे बिकता है, ठीक है। तो अच्छा खासा यहाँ पर ये बेस्ट सेलर
के अंदर में आ रहा है, और ये काफ़ी बड़े ग्रुप की कंपनी है। यहाँ पर इसका न्यूज़ यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो ये प्राइस है और 940 का प्राइस है फिलहाल। तो ये 1 महीने के अंदर देख लो कहाँ तक ये जा चुका था, काफ़ी अच्छा ये बढ़ चुका था, 1,000 रुपये के ऊपर था, और वहाँ से ये फिर से डाउन पे आ गया है। ठीक है, तो फिर से डाउन पे आने की वजह से यहाँ पर काफ़ी लोगों का उम्मीद वहाँ पर टूट जाती है। और यहाँ पर देख सकते हो 6 महीने के अंदर क्या क्या न्यूज़ आई थी, अभी क्या न्यूज़ आई है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। ठीक है, ये तो जब जब कुछ ख़राब न्यूज़ आती है तो स्टॉक यहाँ पर अप डाउन होता है, वो चीज़ें आपको नज़र आएगी। यहाँ पर अच्छी न्यूज़ थी तो स्टॉक अप हुआ था, और यहाँ पर बैड न्यूज़ उसके बाद यहाँ पर थोड़ा डाउन साइड आपको देखने मिला। और यहाँ पर ये जो न्यूज़ है बिजनेस टुडे पे, तो यहाँ पर जो प्राइस यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये गिरा है। ठीक है, तो यहाँ पर बॉम्बे बुर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, ये अभी का लेटेस्ट न्यूज़ है यहाँ पर क्यों गिरा है, तो उस दिन का ये न्यूज़ है, और ये न्यूज़ यहाँ पर नीचे भी आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी है लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पर आपको नीचे भी ये यहाँ पर देखने मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी अपडेट है यहाँ पर आपको मिल सकता है, और इसके फाइनेंशियल भी दिखा दूंगा। और यहाँ पर पहले न्यूज़ का मैं यहाँ पर आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, तो न्यू टैब में मैं ये चीज़ ओपन कर रहा हूँ। तो देखो, बॉम्बे बुर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और ब्रिटानिया और ये टू अदर वाडिया ग्रुप, तो ये वाडिया ग्रुप की कंपनी है। यहाँ पर डिटेल में भी आपको यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा, ये वाडिया ग्रुप की कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीटली डिटेल में ये चीज़ें यहाँ पर बताई हुई है, जो भी है यहाँ पर देख सकते हो, ये वाडिया ग्रुप की कंपनी है। और यहाँ पर ये कब से स्टार्ट है सारी चीज़ें मैंने इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें कवर कर ली है, तो जिससे आपको कम्प्लीटली एक कंपनी के बारे में फुल डिटेल पता चल जाती है। और वाडिया ग्रुप में कौन सी कंपनीज आती है यहाँ पर आप देख सकते हो, तो बड़ी बड़ी कंपनीज है उसके साथ, और उनमें से ये एक कंपनी है। तो वाडिया ग्रुप के अंदर यहाँ पर देख सकते हो ये बॉम्बे बुर्मा है, ब्रिटानिया, जो आपने ब्रिटानिया के बिस्किट्स खाए होंगे वो ब्रिटानिया कंपनी भी वाडिया ग्रुप की है, और अदर वाडिया ग्रुप के जो दो स्टॉक है वो 10-10% गिर चुके थे, क्योंकि इसका आफ्टर गो फर्स्ट जो बैंकरप्सी फाइलिंग किया तब बैंक, अभी गो फर्स्ट ये भी जो एयरलाइन कंपनी है जो वाडिया ग्रुप के अंदर आती थी वो बैंकरप्सी फाइल कर रही है। देखो, हर एक बिजनेस एक इंडिविजुअल होता है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस इंडिविजुअल होता है। अगर कंपनी लॉस कर रही है इसका मतलब है कि वो कंपनी अलग से सर्वाइव कर रही है, अलग से उसके प्रॉफिट एंड लॉस होंगे। तो हर एक कंपनी को मिक्स नहीं किया जा सकता, मर्ज नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर देख सकते हो। तो फिलहाल ये कंपनी लॉस में जाने की वजह से यहाँ पर गो फर्स्ट भी यहाँ पर बैंकरप्सी के लिए जा रही है, यानी कंपनी के पास पैसा नहीं है ऐसा यहाँ पर दिखाया। तो इस वजह से अदर जो इसके साथ वाली कंपनीज है तो उन पर भी इम्पैक्ट आया, कि लोगों में ये दिमाग में आ जाता है लोगों के, कि ये समझ हो जाता है कि यार कंपनी के पास पैसा कैसे नहीं है। कंपनी के पास अच्छे अच्छे कंपनीज है, बड़ी बड़ी दूसरे कंपनीज है, ग्रुप के पास दूसरी भी अच्छी कंपनीज है, तो वो कंपनी में भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, ये डर के वजह से लोग यहाँ पर बेचना स्टार्ट किया, बिकवाली हमको देखने मिली। तो फिलहाल यहाँ पर ये चीज़ हमको देखने मिली है। तो पहले गो फर्स्ट जो एयरलाइन है वो गो एयर नाम से जानी जाती थी, तो वो बैंकरप्सी के लिए जा रहा है, यानी दिवालिया हो रही है। तो इस वजह से बॉम्बे बुर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने 9.62% का यहाँ पर हिट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर लो डे लो किया है, और यहाँ पर देख सकते हो ये इस वजह से गिरावट हमको देखने मिली थी, तो काफ़ी लोग इससे परेशान हो गए थे। और उस दिन मैं ये न्यूज़ बता नहीं पाया, क्योंकि वो टाइम मेरे पास थोड़ा वक्त की कमी थी, इस वजह से मैं यहाँ पर नहीं बता पाया। लेकिन यहाँ पर मोस्ट ऑफ टाइम मुझे नहीं मिल रहा है ये इन चीज़ों के लिए, फिर भी मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, और ये रिकॉर्ड के लिए होते हैं, मेरे पर्सनल रिकॉर्ड के लिए, और आपके लिए भी ये चीज़ें मैं करके रखता हूँ, जिससे आपको ये सीखने में और समझने में जो रियल एक्सपीरियंस है जो लोग नहीं बताते वो चीज़ें मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने मिलेगी। तो एक अच्छे बड़े ग्रुप की भी कंपनियाँ डूब जाती है, अच्छे अच्छे कंपनियों का बुरा हाल होता है, लेकिन फिलहाल हर एक जन का इंडिविजुअल बिजनेस होता है, तो ये कंपनी का इंडिविजुअल बिजनेस किस तरीके का है ये भी हम देख लेते हैं। तो ये कंपनी का देखो इंडिविजुअल अगर बिजनेस देखना है हमको, तो इसके फाइनेंशियल पे जाते हैं हम, और फाइनेंशियल देखेंगे तो क्वार्टरली देखो अच्छा खासा कंपनी बिजनेस कर रही है, साथ में यहाँ पर थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में बीच में एक दो बार लॉस किया है, यहाँ पर नेट इनकम जो माइनस में नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट में नजर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो क्वार्टरली के रिजल्ट है इसमें। ठीक है, और एनुअल की बात करेंगे तो एनुअल में थोड़ा सा
यहाँ पर कंपनी का नेट इनकम कम नजर आ रहा है, लेकिन इनकम कंपनी का काफी अच्छा है, यानी कंपनी सेल्स अच्छा कर रही है, रेवेन्यू अच्छा कर रही है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट में थोड़ा सा यहाँ पर आपको कमी नजर आएगी। तो यहाँ पर ये इसका नेट इनकम में देखो गिरावट देखने मिल रही है, रेवेन्यू अच्छा हो रहा है, बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इनकम कम होने की वजह से कंपनी थोड़ी सी एक साल से दबी हुई भी हमको नजर आ रही थी। देखो मेन चीजें यही होती है किसी भी कंपनी के ग्रोथ के अंदर, किसी भी शेयर के बढ़ने के पीछे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर ये चीजें थोड़ी कमी नजर आ रही थी। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो बैलेंस शीट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंपनी की असेट और लायबिलिटी कितनी है। तो लायबिलिटी ज्यादा ना हो, तो लायबिलिटीज येलो वाली लायबिलिटीज है और ब्लू वाले असेट्स है, तो असेट्स काफी अच्छे है कंपनी के, तो यहाँ पर स्ट्रांगली कंपनी कोई भी कर्जा हो, कोई भी डेट हो, आराम से कंपनी चुका सकती है, तो इस वजह से कोई डरने की बात नहीं है कंपनी में, ठीक है। थोड़ा बहुत कैश फ्लो में यहाँ पर आपको गिरावट नजर आएगी, तो ये कुछ चीजें नेगेटिव होती है, उस वजह से स्टॉक भी थोड़ा नेगेटिव वर्क करता है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कंपनी का बिजनेस पे आपको सोचना चाहिए, वही आपको आगे कंपनी में अच्छा ग्रोथ आपको दिखाएगा, और उस वजह से अगर कंपनी में ही तभी आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि देखो नॉर्मली बाकी सारी चीजें देखोगे कुछ ना कुछ कमी होगी, हर एक कंपनी में होगी। इतनी ही अच्छी कंपनियां चाहिए तो टॉप 10 कंपनीज उठा लेनी चाहिए, लेकिन वैसी कंपनियां में ज्यादा ग्रोथ जल्दी तो मिलता नहीं है, वहां पर एक फिक्स ग्रोथ रहता है और मिनिमम आपको इंक्रीज मिलता है किसी भी शेयर के अंदर, यानी वो शेयर ज्यादा मूवमेंट ज्यादा देते नहीं है और उनके 10% 15% टाइप के रिटर्न आपको मिलते ही रहते हैं, ठीक है। और डिविडेंड भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ही देते हैं, कोई कोई कंपनी अच्छा देती है, कोई खराब देती है, ठीक है, यानी वो फिक्स है, वो आपको ज्यादा डुबाएंगे नहीं, लेकिन वहां पर आपका पैसा सेफ रहने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और बाकी जो कंपनियां होती है काफी रिस्की होती है, हाई रिस्की होती है, मीडियम रिस्क होती है, तो उस वजह से ये कंपनीज में प्रॉफिट आने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं, ग्रोथ आपका ज्यादा भी हो सकता है, कभी कभी कंपनी के शेयर जो होते हैं वो डबल होते हैं, ट्रिपल भी हो जाते हैं, तो इस वजह से कंपनी आपका काफी फायदा भी करा देती है, तो उसमें कुछ भी अच्छी न्यूज आ जाती है तो उसकी वजह से कंपनी में काफी ग्रोथ आपको देखने मिलता है और शेयर में भी देखने मिलता है। तो फिलहाल यहाँ पर आप भी देख रहे हैं जो बॉम्बे बुरमा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का शेयर है, तो फिलहाल तो 6 महीने के अंदर काफी अच्छा मूव कर गया था ये लो से, ठीक है, 800 के लो से काफी अच्छा मूव करके फिर से ये गिरावट हमको दिखाया है, तो एक बैड न्यूज ने इसको गिरा दिया, नहीं तो ये अभी तक ये भी निकल गया होता, ठीक है। तो अच्छा खासा ये प्रॉफिट में आके फिर से डाउन आया है, और इसमें मैंने टारगेट क्या रखे यहाँ पर मैंने डाले हुए हैं, तो सारी चीजें मैंने हमेशा से यहाँ पर बताई हुई रहती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये शेयर के बारे में भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये शेयर में तो नहीं है, लेकिन ये वीडियोस के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएगी कि मैंने टारगेट क्या रखे हैं और इसमें और कितने एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, तो ये वीडियोस भी आप देख के आपको ये चीजें पता चल जाएगी, क्योंकि जो मैंने लेटेस्ट जो वीडियो डाला था टारगेट कमिंग सून, तो उसमें या बाइंग अपॉर्चुनिटी के अंदर वहां पर मैंने ये चीजें बताई हुई है, तो आप वो चीजें देख सकते हो, ठीक है। तो वहां से आपको एग्जैक्ट टारगेट मैंने क्या रखा है, कितना जाएगा, तो वो सारी चीजें मैंने बताई हुई है, तो वो आप देख सकते हो। और कम्प्लीटली ये वीडियो के अंदर मुझे जस्ट ये न्यूज कवर करना था, जिसकी वजह से इन्वेस्टर को ये पता चले कि कोई एक बैड न्यूज या कोई छोटी न्यूज, देखो कंपनी ये कंपनी के बारे में नहीं है, लेकिन एक ग्रुप की न्यूज भी किसी भी शेयर को इम्पैक्ट कर सकती है, उसको गिरा सकती है और इन्वेस्टर का थोड़ा बहुत लॉस करा सकती है, तो ये चीज़ हमको यहाँ पर देखने मिल रही है, और ऐसे बहुत सारे शेयर्स के बारे में आपको देखने मिलेगा यहाँ पर। कंटेंट में मैंने जो भी वीडियोस डाले हुए हैं ये सारे जिनमें से मैंने प्रॉफिट लिया है वो सारे वीडियोस है, तो ये भी आप देख सकते हो, तो इनके वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगे। एनएमडीसी है, जेएसडब्ल्यू, ये सब में प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, तो सारे ये कंटेंट में है, पूरे प्रॉफिट बुकिंग के वीडियोस है, गैस कंपनीज कौन सी है, बाकी सारी कंपनीज कौन सी है, सब केमिकल कंपनीज कौन सी है, सारी चीजें यहाँ पर जो मैंने बताई हुई है तो आप देख सकते हो, जिससे आपको कंप्लीटली सीखने मिल जाएगा कि किस तरीके से, देखो एक्सेल इंडस्ट्रीज का क्या प्रॉफिट था, लिया था मैंने कितने, मतलब उसके बाद क्या हल हुआ, आज के दिन में क्या प्राइस है, वो सारी चीजें आपको यहाँ से देखने मिल जाएगी, सीखने मिल जाएगी, तो सारी चीजें मैंने वेबसाइट पे डाल दी है, तो वो भी आप देख सकते हो, जिससे आपको कुछ ना कुछ अच्छा खासा सीखने मिलेगा। सीखने पे फोकस करो, बाकी चीजों पे ज्यादा ध्यान मत दो, ठीक है, और बाकी जो आपकी मर्जी है वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग है और शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट को इतना इजीली तो नहीं लिया जा
सकता। जो है यहाँ पर रियलिटी, यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई चीज़ें बढ़ा चढ़ा के किसी भी शेयर के बारे में नहीं बताता, क्योंकि मुझे रियलिटी पता है कि ये चीज़ें अगर मैं बढ़ा चढ़ा के बता दूँ, उससे क्या लोग उससे इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन वहाँ से गलत एक इम्पैक्ट जाएगा और लोग लॉस करेंगे और नुकसान करेंगे, और नुकसान करेंगे तो वहाँ से बहुत लोगों का पैसा डूबेगा, तो उसके वजह से काफ़ी बुरा भी ये चीज़ होगा, यानी मैं बुरा कर रहा हूँ ऐसा ये मुझे लगेगा। तो इस वजह से जो शेयर में मैं खुद ही इन्वेस्ट करता हूँ वही चीज़ मैं बताता हूँ, ठीक है। यानी लॉस भी होगा तो सेम इक्वल होगा, अगर मेरा लॉस हो रहा है तो आपका लॉस होगा, अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो ज़रूर आपको भी प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर इतने सारे शेयर्स के बारे में पहले भी वीडियोज़ भी डाले हैं इन्वेस्ट करने से पहले, फिर बाद में प्रॉफिट लेने के बाद भी वीडियोज़ डाले, तो काफ़ी कंपनीज़ के बारे में यहाँ पर मैंने बताया हुआ है, तो वीडियोज़ आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।